तो इससे इसमें चॉकलेट सिरप भी लगा के खा लेते हैं ब्रेड में, बेटर लगता है। गाइस कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ओरियो के पैकेट में हमने दूध डाल के रखा था कि आइसक्रीम जमे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी शर्मा व्लॉग्स। तो गाइस आज का व्लॉग क्या है बनू? सो गाइस मैंने सेक लिए ब्रेड और ये गुन्नू रो रही है क्योंकि यार हमने फोन में लगा दिया पासवर्ड। तो बनाने मत देना मम्मी। क्यों तेरे क्यों ना? तो गाइस आज आई है दीदी बहुत दिनों बाद क्योंकि दीदी के पैरों में आ रही थी बहुत ज्यादा सूजन। हेलो तो अब बनाते हैं गुन्नू खाना। क्या बनाया गुन्नू खाना? हाँ? आज बनाया है कढ़ी पकौड़ा और गुन्नू को कढ़ी बहुत पसंद है। आटा भी मार के रेडी कर दिया है, कोई आ जाए तो रोटी सीखूँ फिर मैं। गुन्नू खाना खा रही है अभी? तुम खा रहे हो खाना अभी? नहीं खा रहे बस तू। सो गाइस रोटी बना के मैं रेडी कर चुकी हूँ, अब चढ़ा दिया मैंने चावल क्योंकि कढ़ी चावल के बिना तो अधूरी है और ये दोनों खा रहे हैं खाना कार्टून देखते देखते। हो गई तुम लोगों का? अब क्या खाना है? तो गुन्नू थोड़ा सा ही खाती है एक बार में, अब खाएगी बाद में। तेरा हो गया फुल एंड फाइनल? नहीं। तो गाइस इसके थोड़ी देर बाद दिखाएंगे हम आपको जो कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि आइस बिस्किट से आइसक्रीम जमी या नहीं, उसके बाद गुन्नू को फिर मैं स्टडी कराऊंगी। गाइस कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ओरियो के पैकेट में हमने दूध डाल के रखा था कि आइसक्रीम जमी या नहीं, तो आज फाइनली आइसक्रीम जम चुकी है तो उसे हम चेक करते हैं, एकदम आइसक्रीम का लुक देते हैं उसे। पॉपिट भी जमा दिया था और ये पॉपिट है एकदम करेक्ट जो पानी। और ये गुन्नू न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करती रहती है, उसने पॉपिट है क्या बोलते हैं इसे? ऐसे नहीं फट रहा, खींच इसे आगे को खींच, ऊपर से पुश करके देख ऊपर से। ये आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है तो ये एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी दिख रही है, दिखाई और अभी इधर को ऊपर तो देखो। तो गाइस आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट एकदम बेस्ट हुआ है, ओरियो चॉकलेट है और आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनी है। तो बच्चे जो मार्केट से खाते हैं ये 10-10 रुपए की खरीद कर, उससे बहुत बेटर है, ये बना के खा सकते हैं जब मर्जी अपने घर में। और थोड़ा दूध पका के डालें और थोड़ा सा गाढ़ा करके तो और भी टेस्टी बनेगी। तो आइसक्रीम रेडी हो चुकी है यानी कि सुपर्ब था, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सच्ची है गुन्नू? खाने की बात। सो गाइस हमारा एसी फाइनली ठीक हो चुका है क्योंकि इसकी सर्विस हुई है और गैस भी नहीं थी इसके अंदर तो ठीक हो गया है ये। और गर्मी बहुत हो गई है 2-4 दिन से। अंजलि को बुला रही है, सुबह है बसोड़ा शीतलास भी बोलते हैं इसे, तो उसका खाना आज ही बनेगा शाम के टाइम। तो आज मैं नहा कर माता का खाना बनाती हूँ और सुबह सुबह नहा कर सबसे पहले बिना झाड़ू पोछा लगाए फिर मैं माता पूजने जाऊँगी और हमें खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। पूड़ी और गुड़ वाले चावल और थोड़ी सी चने की दाल भी भिगो देते हैं रात को जिससे सुबह माता को पूजते हैं। और ये दोनों पुतले पर उठ के खड़े हुए हैं, क्या हुआ क्या हुआ, कौन सा कलाकारी करके आए हो तुम नीचे? मैंने आपको बताया रोकने से।
तो गाइज मैंने गैस वैस को साफ कर लिया है, अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक तरफ चावल चढ़ाती हूँ और पूड़ी का आटा लगाती हूँ। सो गाइज आटा लगा के मैंने रेडी कर दिया है, चावल बन रहे हैं एक तरफ और अब मैं थोड़ी देर में सेकूंगी पूड़ी जब तक आला। सो गाइज रात के बज रहे हैं 10:45, किचन का काम सारा ख़त्म हो गया है, खाना आज किसी ने खाया नहीं है ढंग से, कोई खीरा खा के रह गया, कोई सेब खा, किसी ने बस सेब ही खा लिया। मैं क्या खाऊँ, मैं भी 2 ब्रेड खाऊँगी बस, लेट हो गया तो भूख नहीं लग रही है, 2 ब्रेड मैं घी लगा के खाऊँगी बस। तो गाइस ऐसे ब्रेड में मुझे घी लगा के बहुत ही अच्छे लगते हैं, अभी ट्राई करना, फ्रेश ब्रेड होना चाहिए एकदम। थोड़ा और ज़्यादा ऑयली हो जाता है पर ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। अपने अपने बर्तन धो के रखना आप। तो गए ऐसे ब्रेड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गुन्नू को भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी खाने जा रही है। और ये मुँह में हर्षी सिरप, ये मुँह में क्यों लेके घूम रहा है भाई हर्षी सिरप को? गुन्नू ले लेगी। गुन्नू तू क्या खा रही है? तो इससे इसमें चॉकलेट सिरप ही लगा के खा लेते ब्रेड में, बेटर लगता। और हैं आरव, आरव आज बेडशीट लगा रहा है, खाई जी एक दूसरे को हर चीज सेल करते हैं। ले 5 रुपए में ले ले, चल कोई बात नहीं यार, फ्री में ले यार, तुम क्या आते हो अपने पास ही रख, उन्होंने बिल्कुल मत लेना ऐसे ऐसे ऐसे। देख लो गाइस 1 रुपए में ये सेल हो रहा है, फ्री में बोल रहा। अच्छा फ्री में, चल बड़ा मेहरबान है फिर तो इसमें। स्माइली बना के देगा, बनी ज्यादा ही निकल ली एक साथ, छेद जैसे करेगा वैसे तो निकलेगी। नहीं जाएगी बहुत है, हम लेके आऊंगा 10 रुपए का होता है ना भैया, अच्छा लगता है ये चॉकलेट। नोजी बना देता तो फिर वो क्या खाता खुद? तेरी नोजी बनती रह जाती फिर तो। बचा क्या पैकेट में? कुछ नहीं बचा, उसने ब्रेड का भी ये सारा काट दिया, खा लिया उसने, देख दिया भी सही हो गया है, तो आज सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब खाना पीना हो गया है, अब जाते हैं सोने के लिए। आज मेरे बाल इतने चिपकू चिपकू लग रहे हैं क्योंकि मैंने आज ऑयलिंग की है बालों में, अब मुझे सुबह सर धोना है इसलिए मैंने आज रात को ऑयलिंग कर लिया। सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी धोना है, वैसे मैं सुबह करती हूँ, 2 घंटे रखती हूँ। सो गाइस आज का व्लॉग आप देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।